परंतु इस कोमोडो की किस्मत अच्छी है, इसे शिकार को मारने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शिकार पहले से ही मरा हुआ था और आज ये कोमोडो मुफ्त की दावत उड़ाएगी। लेकिन ये शिकार एक इलेक्ट्रिक ईल फिश है। इलेक्ट्रिक ईल मछली अपने शरीर में करंट उत्पन्न कर सकती है। हालांकि यहाँ भले ही इस ईल की मृत्यु हो चुकी है, परंतु इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में ऐसे तंतु होते हैं जो बैटरी की ही भांति करंट को स्टोर रख सकते हैं। मरने के बाद ईल करंट उत्पन्न करना बंद कर देती है और इसके शरीर की बैटरियाँ धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती हैं, परंतु इस प्रक्रिया में मिनटों से लेकर घंटों तक लग सकते हैं। जोश जोश में कोमोडो ईल को निगल तो गई, परंतु जल्द ही इसे बिजली के झटके महसूस होने लगे और इस कोमोडो ने वापस ईल को उगल दिया। वो तो इस कोमोडो ड्रैगन का आज दिन अच्छा था। शायद इस ईल को मरे हुए काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए इसका शरीर कम मात्रा में ही करंट उत्पन्न कर पाया। यदि ईल का शरीर अपनी पूरी शक्ति से करंट उत्पन्न करता तो इस कोमोडो ड्रैगन के प्राण पखेरु उड़ना तय था। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसा जीव है जिसे आप कहीं मरा हुआ भी पाए तो भी उससे दूर ही रहे। हो सकता है उस ईल की मृत्यु अभी अभी हुई हो और उसके शरीर में फुल 840 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो। वैसे इलेक्ट्रिक ईल अकेला ऐसा जीव नहीं है, बल्कि हमारा ग्रह ऐसे जीवों से भरा हुआ है जो मरने के बाद भी घातक हो सकते हैं। ये वीडियो देखिए, ये एक वुल्फ फिश है। इसके नाम में वुल्फ यानी भेड़िया इसलिए आता है क्योंकि इस मछली के जबड़े की पकड़ भी किसी भेड़िया के ही समान होती है। यहाँ ये वुल्फ फिश मर चुकी है, परंतु जैसे ही इसके मुंह में सोडा कैन डाली जाती है ये तुरंत उस कैन को तबाह कर देती है। कल्पना कीजिए, यदि इस मछली के मुंह में इसे मरी हुई मानकर गलती से यदि कोई व्यक्ति उंगली या हाथ रख दे तो ये मछली हमारी हड्डी तक तोड़ देगी। भले ही वुल्फ फिश आकार में छोटी होती हो, परंतु इसके जबड़े की ताकत 1000 PSI से भी अधिक होती है, यानी वुल्फ फिश का जबड़ा शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद जबड़ा बंद करने का यह अनोखा गुण केवल वुल्फ फिश में ही होता है, बल्कि ये कारनामा कई प्रकार की मछलियां कर सकती हैं। ये मछलियां एक तरह की ज़ॉम्बी ही है जिनके अंग मरने के बाद भी सक्रिय रहते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? दरअसल ऐसा इन मछलियों के रिफ्लेक्सेस के कारण होता है। रिफ्लेक्स असल में एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसे करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आपके सामने गर्म चाय का प्याला रखा है तो पहले आप सोचते हैं कि चलो चाय पी जाए। आपका दिमाग आपके हाथ को निर्देशित करता है और आपका हाथ चाय के प्याले की ओर बढ़ जाता है, परंतु यदि उस प्याले की चाय आपके हाथ पर गिर जाए तो आपका हाथ तुरंत एक झटके से वापस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप सोचोगे कि चलो हाथ जल गया, इसे वापस पीछे खींच लेता हूँ, बल्कि ये क्रिया अपने आप होगी। इस प्रकार की क्रिया को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है जो अपने आप घटित होती है। वुल्फ फिश जैसी मछलियों के मुंह के भीतर मौजूद मांसपेशियां इसी तरह से कार्य करती है। जैसे ही कोई वस्तु इनके मुंह में जाती है तो इनका मुंह बिना कुछ सोचे समझे अपने आप तुरंत बंद हो जाता है, और जब ये मछली मर चुकी होती है तो इनकी मांसपेशियों की सक्रियता अचानक से नहीं रुकती, बल्कि करीब 1 घंटे तक इनके शरीर में ये रिफ्लेक्स प्रक्रिया जारी रहती है। यानी इलेक्ट्रिक ईल फिश के बाद वुल्फ फिश जैसी मछलियां भी ऐसे ही जीव हैं जो न सिर्फ जिंदा बल्कि मरने के बाद भी बेहद खतरनाक बने रहती हैं। परंतु ऐसे जीवों की सूची बड़ी लंबी है। सांप भी अनेकों बार मरने के बाद भी अपने मुंह के पास आई चीज को डस सकते हैं और उस चीज में अपना जहर उतार सकते हैं। आपको इंटरनेट पर ऐसी ढेरों वीडियोस मिल जाएगी जहां एक सांप का मुंह उसके शरीर से अलग करने के बावजूद भी उस सांप ने काटना नहीं छोड़ा। वही सांप हमारे आसपास भी पाए जाते हैं, इसलिए मर चुके सांप के मुंह से तो हमेशा ही दूरी बनाए रखें। दूसरी ओर मधुमक्खी भी कुछ ऐसे ही प्रकार के जीव हैं जो हमारे आसपास भी पाए जाते हैं और मरने के बाद भी घातक हैं। यदि आप अभी अभी मरी हुई किसी मधुमक्खी को छूते हैं तो आपको इनके दर्द भरे ढंग का दर्श मिल सकता है। देखा जाए तो प्रकृति द्वारा यह अनोखा गुण शायद इन जीवों को बदला लेने के लिए दिया गया है। जो इन्हें मारता है उन्हें मरने के बाद भी चोट पहुंचा देते हैं। हालांकि सभी जीव मरने के बाद अधिक से अधिक कुछ घंटों तक ही खतरनाक रहते हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे इनकी मांसपेशियों की सक्रियता समाप्त हो जाती है। परंतु एक जीव ऐसा भी है जिसे यदि मरे हुए कई सप्ताह भी हो चुके हैं तो भी वो जीव सिर्फ छूने भर से ही किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। उस जीव से मिलने के लिए हमें साउथ अमेरिका जाना होगा। कोलंबिया देश के विशाल भूभाग पर फैले वन इस जीव का ठिकाना है। ये जीव एक छोटा सा मेंढक है जो मात्र 2 इंच ही बड़ा होता है। इस इलाके में इन मेंढकों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स के नाम से जाना जाता है। स्थानीय आदिवासी लोगों के लिए ये मेंढक बड़े ही काम की चीज होती है क्योंकि वो इन मेंढकों के जहर का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते हैं। दरअसल ये रंग बिरंगे मेंढक पृथ्वी के सबसे जहरीले जीव है। जब भी इन्हें परेशान किया जाता है तो इनकी त्वचा से जहर रिसना शुरू हो जाता है और इसी जहर को अपने तीरों पर लगाकर आदिवासी शिकार करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक इन मेंढकों के पास इतना जहर कैसे आया इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कई प्रकार के जहरीले कीटों को खाने से ही ये मेंढक जहरीले बन गए हों, क्योंकि जब इनमें से कुछ मेंढकों को अलग स्थान पर रखा गया और अलग तरह का भोजन दिया गया तो उन मेंढकों ने कुछ ही दिनों बाद जहर का उत्पादन बंद कर दिया। जब भी कोई जीव इस मेंढक पर हमला करता है तो ये मेंढक पसीने की भांति अपनी त्वचा से जहर बाहर निकालता है। परंतु मान लो उस हमले में इस मेंढक की जान चली जाती है तो भी इसकी त्वचा पर लगा हुआ जहर कई दिनों यहाँ तक कि सप्ताह तक भी इस मेंढक को छूने वाले जीव के लिए
जहां तक बना रहेगा। अगर इनका जहर सीधे किसी इंसान के त्वचा पर लग जाए तो तुरंत जहर का असर शुरू हो जाता है, क्योंकि यह जहर बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होता, बल्कि यह जहर तो मेंढक की त्वचा से ही रिसता हुआ बाहर आता है। इसलिए पानी की तरह पतले इस जहर की कुछ मात्रा हमारी त्वचा सोख लेती है और उस कुछ मात्रा से ही एक इंसान की मांसपेशियां और नब्ज सिकुड़ने लगती है और जल्द ही इंसान की मौत तक हो सकती है। हालांकि यदि आप सांप के जहर को छू लेते हैं तो आपको ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सांप के गाढ़े जहर को हमारी त्वचा उतने अच्छे से सोख नहीं पाती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें करंट मारने वाले ईल या सिर्फ जहरीले जीव से ही उनके मरने के बाद दूर रहना चाहिए। वास्तव में स्तनधारी जीव भी मरने के बाद अपने पास खड़े इंसान को बेहद घातक चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि स्तनधारी जीव ऐसा खतरा तुरंत पैदा नहीं करते, बल्कि मरने के कई दिनों बाद यह खतरा उत्पन्न होता है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ एक मरा हुआ हाथी किसी बम के समान ही फट गया और मांस बड़ी मात्रा में हाथी के पेट से बाहर निकलने लगा। दरअसल जब भी कोई जीव मर जाता है तो मरने के कुछ दिन बाद उस जीव के शरीर के अंग शरीर के अंदर ही डिकम्पोज होने लगते हैं और इस प्रक्रिया में विभिन्न गैसें बनती हैं। ये गैसें उस मर चुके जीव के शरीर को फुला देती हैं और जब इन गैसों का दबाव बेहद ही अधिक बढ़ जाता है तो ये गैसें जीवधारी की त्वचा को फाड़ते हुए तेजी से बाहर निकलती हैं। ऐसा सभी जीवों के साथ होता है, फिर वो भले ही इंसान हो या हाथी। परंतु जो जीव जितना बड़ा होता है उसके शरीर में उतनी ही अधिक गैसें भी बनती हैं और उस जीव के शरीर में हुआ विस्फोट भी उतना ही अधिक भयानक हो जाता है। धरती का सबसे बड़ा जीव यानी ब्लू व्हेल यदि आपको कहीं समुद्र किनारे मरी हुई दिख जाए तो भूलकर भी उस व्हेल के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस व्हेल के शरीर में अचानक हुआ भयानक विस्फोट इंसान की जान तक भी ले सकता है। ताइवान में एक विशाल व्हेल की मौत के कारणों को समझने के लिए उस व्हेल को ट्रक पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, परंतु तभी अचानक से ही उस व्हेल के फूले हुए शरीर में विस्फोट उस समय हो गया जब व्हेल शहर के ठीक बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से गुजर रही थी। इस व्हेल के नजदीक कोई भी इंसान नहीं था, इसलिए किसी की जान जाने की घटना तो नहीं हुई, परंतु विस्फोट इतना भयानक था कि कई फीट दूर मौजूद इंसान भी नीचे गिरकर चोटिल हो गए। यहां तक कि आसपास बनी इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए और सड़क पर चारों ओर व्हेल का मांस फैल गया, जिसे साफ करने में कई दिनों का वक्त लग गया और शहर से बदबू दूर होने में तो महीनों लग गए। कई लोग तो इस बदबू से परेशान होकर शहर तक छोड़कर चले गए। यानी मरने के बाद उस व्हेल ने इंसानों से समुद्री जीवों को परेशान करने का बदला ले